एसआरपी रेल रायपुर के निर्देश से मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर उप पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन पर जीआरपी एंटी क्राइम टीम एवं जीआरपी चौकी चरोदा द्वारा 21 जुलाई को एचकेबीन बीएमवाई चरोदा के पास दो व्यक्तियों को गांजा एवं देशी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया गया। ट्विन सिटी में नशे के कारोबारियों का बड़ा जाल फैला हुआ है। लगातार इस तरह के कारोबारियों को पुलिस पकड़ रही है। इसी के मद्देनजर जीआरपी चरोदा ने मुखबिर की सूचना पर दो युवकों को दबिश देकर गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ जीआरपी ने नारकोटिक्स एक्ट और 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। जीआरपी चरोदा प्रभारी महेंद्र प्रसाद ने बताया कि एंटी क्राइम की टीम के साथ मिलकर सूचना मिलने पर एच केबिन बीएवाई चरोदा के पास से बलांगीर उड़ीसा निवासी प्रशांत नंदा और संतोष छत्री को पकड़ा गया। इनके पास में रखे दो बैग भी बरामद किए गए हैं, जिसमें 4 किलो 60 ग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 40,000 रुपये आंकी गई है। इसके अलावा दो देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस भी जीआरपी ने आरोपियों से जब्त किया है। 7/2023 को जरिए मुखबिर सूचना मिला कि एच केबिन बीएमवाई चरोदा में दो युवक अपने पास पिट्ठू बैग में रखे मादक पदार्थ गांजा रखे हुए हैं, जिसकी सूचना पर हमरा स्टाफ क्राइम एंटी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किए, जिसे घेराबंदी करके पकड़ा गया। तलाशी लेने पर एक व्यक्ति के पास 2 किलो गांजा तथा 1 कट्टा 2 कारतूस, एक व्यक्ति के पास में 2 किलो गांजा, 1 कट्टा 1 कारतूस प्राप्त हुआ, जो मौके पर कार्रवाई कर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर जुडिशियल रिमांड पर जल्द दाखिल किया गया। इस कार्रवाई में जीआरपी विभागीय निरीक्षक दया कुर्रे, चौकी प्रभारी महेंद्र प्रसाद, आरक्षक मन्नू प्रजापति, लक्ष्मण गायन, जीआरपी एंटी क्राइम से विष्णु सुमन, प्रकाश सोनी, भगवान दास पुरेना शामिल। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।